हरियाणा में बीजेपी को और मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं के आयोजन की शुरुआत हुई है। कार्यशालाओं से प्रशिक्षण लेकर कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को बीजेपी की नीतियों के बारे में जागरूक करेंगे और बीजेपी से जुड़ने की अपील करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष पर शुरू किए गए अल्पकालीन शताब्दी विस्तारक योजना के तहत मेहरौली रोड स्थित जेएमजी मॉल में बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने यह शुरुआत की और कहा कि 22 मई तक 10,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये वर्ष जो 25 सितंबर 2016 से और 25 सितंबर 2017 तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहा है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक राजनीतिक विचार दिया, एकात्म मानव दर्शन के नाते उनकी जन्म शताब्दी है, इसलिए इस जन्म शताब्दी में कई प्रकार के कार्यक्रमों की रूपरेखा हमने बनाई है और एक अलग तरह का कार्यक्रम इस बार उसकी जो रूपरेखा बनी है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती वर्ष में विस्तारक योजना। उसमें दो तरह के विस्तारक हमने निकाले हैं, एक एक साल का समय देने वाले और 6 महीने का समय देने वाले कार्यकर्ता, उनका 3 दिन का प्रशिक्षण का कार्यक्रम करके और 20 अप्रैल से वो अपने क्षेत्र में जा चुके हैं और अब हर बूथ के ऊपर महासंपर्क अभियान के लिए 15 दिन के लिए अल्पकालीन विस्तारक योजना का कार्यक्रम शुरू होगा 26 मई जिस दिन केंद्र सरकार को 3 साल पूरे हो जाएंगे, 26 मई से 10 जून ऐसे पूरे हरियाणा प्रांत में हमारे 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता बूथ के ऊपर जाएंगे और 15 दिन तक वहाँ पार्टी की रीति नीति, केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियाँ और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे और 22 तारीख तक ऐसे 10,000 कार्यकर्ताओं का हम प्रशिक्षण पूरा कर देंगे। आज बादशाहपुर विधानसभा का ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, इसमें मैं हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में आया हूँ। इसी प्रकार से पूरे प्रांत के अंदर सभी 90 विधानसभा क्षेत्र और सभी 22 जिलों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम 22 तारीख तक पूरे हो जाएंगे और इसके बाद 26 तारीख से कार्यकर्ता और 10 जून तक प्रत्येक बूथ पर जाएंगे।